हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके लिए ला चुकी है स्कॉर्पियो। देख सकते हैं भाई, हमारे चैनल पे पहली स्कॉर्पियो और पहली भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आई है। मैं इसमें भाई क्या है वो मैं आपको बता दूं। जब आपने बिलेनो वाली वीडियो देखी होगी, उन्हीं भाई की स्कॉर्पियो है। 20 इंच लो तो इसमें लगे पड़े, जो इसमें पर भाई धमाका है ना वो है इसके अंदर से। भाई अंदर भाई ने इतना तगड़ा इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है कि क्या ही बोलें। 80-90 हज़ार या 1 लाख तक का भाई ने इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो हैंडमेड वूफर होते हैं भाई ने इसमें वो लगा रखे हैं। एक एक चीज़ कवर करके बताएंगे, उससे पहले आप सिनेमेटिक शॉर्ट्स देखें। कोई पता नहीं कदम जाना जोने आया खड़ी साहा दे यार बिच बैठे काई कैरी ले तुरती पाप दे रहा दे हो कुमिन दे साम नाल पूरा रुकता थोड़ा नहीं वो भाड़ा एक लगी चलता अखा चक भी कोई शाय बोलती मैं मेरी कोई दुनिया को आकी चलता हो सिद्धू मेरे सिरों पाल दिया मेरे सुन के अबा तबा हमारे भाई जिनकी एक गाड़ी है भाई स्कॉर्पियो गाड़ी भाई की, और भाई को आपने पहचान लिया होगा भाई, फिर भी अपना नाम बता दे एक बार फिर से। रोहित चंदीला। रोहित चंदीला भाई का नाम है, जैसे भाई अपने गुजर है ना भाई। हाँ जी भाई। और भाई कहाँ से हो? बुढ़ाना गांव से भाई। भाई फरीदाबाद अपना है ना? फरीदाबाद बुढ़ाना गांव। अच्छा ठीक है भाई। भाई गाड़ी कौन सा मॉडल है, सही से जल्दी जल्दी बता दो भाई। स्कॉर्पियो गाड़ी है, 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल है। एस टेन है। अच्छा तो भाई देख सकते हैं, आपको सारी चीजें बताएंगे भाई। हेडलाइट ऐसी आती थी ना इसकी कंपनी से, कंपनी फिटेड है भाई। ये फॉग लाइट बाहर से डलवाई है, ये फॉग लाइट बाहर से डलवाई है। हेडलाइट है भाई, हेडलाइट में कुछ लगवा रखा है? हेडलाइट में भाई थोड़ी चेंजिंग है, जो अंदर के बल्ब वगैरह है। अच्छा, जैसे कि मतलब देखो ये अपने एलईडी लाइट्स लगी हुई है। एलईडी लाइट्स अलग से लगवाई है बाहर से। अच्छा, अलग से बाहर से भाई। मतलब देखो जब अपनी ये सारी जलती होंगी, 6 लाइट होगी ना टोटल, फॉग लैंप को मिला के ऊपर 2, अपनी 4 ऊपर है ना भाई। जब जलती होंगी तो बिल्कुल चांद चांद हो जाता होगा। बिल्कुल भाई, ओखन के सामने अंधेरा हो जाके। अच्छा भाई, सामने वाले भाई कुछ भी नहीं दिखता है ना, बिना देखे बस गाड़ी गाड़ी जब दोहरे के लेकर जाए तो गाड़ी दिखे। अच्छा भाई, कितने की लगी थी ये भाई? जो लाइट आगे 18,000 की लगी सर, फॉग लाइट और दोनों अंदर के बल्ब है। अच्छा, सारी कुल मिला के, कुल मिला के 18,000 की लाइट लगी। 18,000 की कुल मिला के भाई सब कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, बीम वगैरह सब कुछ इसकी एक सही है सब। और यहाँ पे भाई ने ये रूट्स वाले हॉर्न, भाई हॉर्न भी वही रूट्स वाले लगा रखे हैं। रूट्स वाले लगवा रखे भाई वही। अच्छा भाई, कितने की प्राइसिंग पड़ी? वही 2500 से 3,000 रुपए। 2500 की भाई। नंबर में आपने पैसे नहीं फूक रखे? नंबर में भाई नॉर्मल है इसका, इसमें नंबर तो वैसे ही छोड़ दिया अपना, छोड़ दिया नहीं। मतलब आप अगर लेते इसमें तगड़ा सा नंबर कोई लेते तो फिर भाई अपना वही 70-70। अच्छा, 11-11 ऐसे ही आता फिर। अच्छा भाई, तो देखो भाई और चीज़ें बताते हैं, बाकी तो ऐसी आती थी। और भाई जैसे कि साइड में आपने कुछ भी नहीं करा रखा, आजकल चल रहा है ना गुची वाला सांप बनवा लेते हैं और भी ना भाई अलॉय लगवा रखे, अपनी गाड़ी ब्लैक जेट करवा रखी है। अच्छा भाई, इतने में ही बहुत बढ़िया लगा गाड़ी, इतने में ही मतलब गाड़ी बिल्कुल आर पार। गाड़ी में जो अंदर सौदा ना बात हमें दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, मतलब जो अंदर है ना बातचीत वो तो मतलब भाई कुछ हटके ही है ना, बाकी तो देखो बाहर है कुछ ऐसे। देखो भाई की गाड़ी बाहर से भाई ब्लैक जेट है ये भी अपनी। हाँ जी भाई, इसके ऊपर भाई कोई राज राज कुछ भी ना भाई, अपना चला है सिस्टम। अच्छा, अपना सिस्टम चला है, ये भी ब्लैक जेड भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? कोई रोका ही ना भाई आज तक, कोई रोके भाई ऐसा क्यों? ऐसा भाई अपनी आगे तक बात, अपनी आगे तक बात है तो किसी ने नहीं रोकी भाई गाड़ी आज तक, है ना कहीं रोकी आज तक किसी ने नहीं रोकी भाई। देखो सारी चीज आपको बताएंगे, अलॉय व्हील पे आते देखो, पहले तो मैं दिखा दे भाई टायर इसके, देखो कितने ही ज्यादा मोटे लगे पड़े हैं भाई। कितने इंच के हैं अपने अलॉय? ये भाई 20 इंच अलॉय है अपने, ये 20 इंच के अलॉय है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ, देखो तो यहीं पे भाई इसकी टायर प्रोफाइल लिखी हुई है 285/50 और R20, मतलब 50 की प्रोफाइल वाले ने भाई टायर। तो भाई टायर तो देखो यहाँ पे देख सकते हो भाई, इसके तो टायर भी अड़ते हैं भाई। भाई टायर अड़े हैं पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सेट करवा रहा हूं भाई। अगर इसको आप लो प्रोफाइल टायर लगा लो तो अड़ेंगे नहीं अपने ना, फिर भी भाई दिक्कत देवे बाद में। तो भाई कभी कैसे सोचा नहीं कि लोग आजकल भाई 26-26 इंच लगा रहे हैं स्कॉर्पियो में, तो भाई ऐसा कुछ कभी
लगवाओगे? ना भाई, अभी दूसरी स्कॉर्पियो है मेरी एक और। अच्छा, दूसरी वहाँ मैं थोड़ा सा देखते हैं एक बार, 22 इंच 24 इंच लगवा ले वहाँ मैं। अच्छा हाँ। तो मतलब ये भाई अपने नॉर्मल यूज के लिए है ना, नॉर्मल यूज के लिए जाते हो हर जगह। तो भाई मैं आपको एक बार कंपनी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते भाई अपने ब्रिजस्टोन कंपनी के इसके टायर लगे हुए हैं, जैसा कि भाई ने कंपनी के टायर लगा रहे हैं। मतलब भाई कोई चाइनीज टायर नहीं है ना ऐसा भाई, क्योंकि देखो इतने बड़े लोग हैं भाई, गाड़ी बड़ी तो टायर भी लगने चाहिए भाई कंपनी के, है ना इसमें। तो उसके बाद देखो बैक प्रोफाइल में आते धीरे धीरे और भी भाई। तो भाई माइलेज बताओ पहले, 20 इंच में क्या माइलेज दे रही इतने मोटे टायर के साथ, वो भी स्कॉर्पियो गाड़ी। जब पहले हमें अलॉय नॉय ना, जब दे भाई 12-13 की, नॉर्मल 8 से 10 ऐसा दे दे भाई, 8-10। मतलब भाई लोकल में कितने की माइलेज दे रही है? लोकल में भाई 7 की 8 की, 7-8 की लोकल में भाई। और भाई हाईवे पे, हाईवे पे भी 10-12 की निकाल देती है, हाईवे पे 10-12 की निकाल देती है। अच्छा, और भाई जैसे कि देखो इतने बड़े टायर हैं, गाड़ी बबलिंग लेती है कि नहीं ये बताओ ना भाई। नॉर्मली जब 150 पे चला है तो थोड़ा हैंडल हल जाता है। गाड़ी 150 भगा रखी है इन टायरों के साथ? 150 का भाई, 180 भगा रखी है गाड़ी तो। मतलब भाई भगाने को कुछ ज्यादा शौक, आप बलेनो की भी बता रहे थे कि आपने वो 200 भगा रखी है, भाई इसकी बता रहे हो आपने बलेनो गाड़ी ऐसी भाई, थोड़ी सी बक चला है गाड़ी, थोड़ी ऊंची है ये, ऊंची गाड़ी है, थोड़ी सी हल जा, थोड़ी सी हल जा भाई। देखो गाड़ी थोड़ी सी इसमें भाई, देखो यहाँ पे देखो टायर कितने बाहर भी निकले हैं अपने भाई बॉडी से। तो भाई अड़ते वगैरह नहीं है क्या इनमें? अरे भाई आगे वाले अड़े, आगे वाले अड़ते, पीछे वाले? पीछे वाले में निकाल रखा अपना उक्का। अच्छा, पीछे वाले कर रखे हैं सेट, आगे वाले अड़ते हैं। तो भाई जैसे कि आने वाले टाइम में इसमें और अलॉय में क्या चेंज कराओगे इस गाड़ी में? अभी तो भाई हमें कुछ भी चेंज नहीं कराएंगे, बाकी जब आने वाले टाइम में 22 इंची करवाने की हम थोड़ी सलाह है इसमें, 22 इंची अभी तो कोई इरादा ना। अच्छा भाई, उसके बाद देखो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सब कुछ भाई, ऐसी कुछ इसमें लाइट मिलती है भाई। आजकल देखो यहाँ पे भी ना इसकी ना आफ्टर मार्केट लाइट आ चुकी है, जैसे कि नई वाली स्कॉर्पियो आई है, तो कभी सोचा उसको लगाने के लिए ना? जब लगवाएंगे लगवा भाई, भाई जैसे कि रिफ्लेक्टर आपने इसमें भी नहीं लगा रखे, अपने बिलहनों में भी नहीं थे। मतलब ज्यादातर आपको गाड़ी सिंपली पसंद है, अपने बस टायर लग गए, अलॉय लग गए और अपने ब्लैक जेड है ना, बाकी आपको कुछ नहीं। तो भाई देखो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेंसर वगैरह तो कंपनी से मिल जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं वाइपर वगैरह सब कुछ। बूट को खोल के दिखाते हैं, जो भी असली धमाका है ना इसी में है भाई सब कुछ। तो भाई देखो यहाँ पे अपना भाई धमाका, तो भाई जो है असली धमाका, तो भाई मतलब पैसा ही इसी में लगा रखा है पूरी गाड़ी में है ना। तो भाई देखो पहले मैं आपको सब चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद भाई से पूछते। देखो यहाँ पे एम्प लगे हुए हैं भाई अपने, इधर दो वूफर, मतलब पेटी देख रहे हो आप कितने मतलब अलग तरीके से बनी है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, या तो यहीं पे दोनों वूफर लगा देंगे या तो ऊपर लगा देंगे, पर ये कुछ अलग है कि आपको एक वूफर यहाँ मिलता है, एक वूफर ऊपर मिलता है, उधर भी दो एम्प है, यहाँ पे भी स्पीकर। भाई इन सब के बारे में बताओ एक एक करके। भाई ये मोनो एम्प है। अच्छा भाई, ये सिर्फ इसके लिए है वूफर के लिए, और बाकी ये जो दो एम्प है स्पीकर के लिए है। ये स्पीकर के लिए भाई। अपने वूफर कौन सी कंपनी को रही है स्पीकर वगैरह? भाई हैंडमेड है, अपने हाथ से बनाए हुए थे। अच्छा, हाथ से बने होते हैं ये कोई कंपनी नहीं है? कोई कंपनी नहीं। तो भाई मतलब भाई ऐसे हाथ से बने होते हैं तो इनमें ऐसा तो नहीं है कि भाई दिक्कत आने लग जाती है? ना भाई, ऐसा कोई दिक्कत ना हो, हाथ से बने और बढ़िया चीज लिख रहे हैं, बढ़िया ही मतलब निकाली, बढ़िया निकाली अब तक। अब तक तो मतलब बिल्कुल बढ़िया निकली। तो मतलब भाई ये बताओ जैसे कि इतना तगड़ा सिस्टम है, जब गली मोहल्ले में से कहीं से भी गाड़ी निकलती है लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं भाई गाड़ी मतलब लिखा, दुनिया के तो बर्तन गिर गए, शीशे भी हिल जा और धूल मिट्टी लिख जा भैया। तो भाई गाड़ी आवाज वगैरह पूरी बहुत बढ़िया यार भाई, दुनिया देख के चले। तो मतलब भाई जैसे कि आप बता रहे हो ना बर्तन वगैरह के, तो मतलब गाड़ी झेल रही है भाई इसकी बेस हिलती है मतलब पूरी गाड़ी फिर? हाँ भाई गाड़ी तो पूरी झेल रही है, पर बाकी ये है कि शीशे विशन में आवाज आता, सेट करवा ले हम गेल भाई। अच्छा, सेट करवा ले तो मतलब ऐसे नहीं भाई कोई चटक गया उसी? ना ना भाई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना। बाकी देखो आपको बजा के दिखाएंगे, मैं आपको एक बार क्लोज से दिखा देता हूँ भाई, देखो कितनी मतलब बढ़िया। और नॉर्मल वूफर से आप देख सकते हैं कि भाई ये काफी ज्यादा मतलब बड़े भी बने पड़े, इनके जो पर्दे हैं काफी ज्यादा बड़े हैं। आपको इंटीरियर में ले चलते हैं और फिर आपको बताते हैं एक चीज। तो भाई सीट कवर कंपनी से है बाहर से लगवाए वाले? भाई इसमें बाहर से लगवाए। अच्छा, बाहर से इनकी क्या प्राइसिंग पड़ेगी? बाहर से पड़ी भाई 15,000 रुपए आसपास पड़ी। 15,000 भाई अपने लेदर के, मतलब फिर तो भाई 15,000 के तो लेदर की होंगे ना, पक्की वाली बात है। अच्छा भाई, और भाई कंफर्ट वगैरह बिल्कुल ठीक है ना? ओके, जैसे कि भाई कितना टाइम हुआ इन्हें लगवाए? 8 से 9 महीने हो गए भाई। 8 से 9 महीने हो गए लगवाए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ भाई, देखो यहाँ पे अपने ये बेस कंट्रोल, बेस से आप बेस कम ज्यादा यहीं से कर सकते हैं अपने सब कुछ। उसके बाद आपको इंटीरियर में और चीजें दिखा देता हूँ भाई, जैसे कि आपने स्टीयरिंग कवर भी लगा रखा है इसमें, तो भाई ये कितने का लगवाया? ये 700 रुपये लगा था भाई। ये 700 रुपये का स्टेयरिंग कवर लगा रखा भाई ने। और यहाँ पे देखो बैक गियर में पहली लगी पड़ी गाड़ी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा भाई इसका कैमरा रहता है, बिल्कुल आपको सही क्लियरिटी। भाई यूज करते हो? बिल्कुल भाई यूज होगा जब लगा रखा तो ना, मतलब जैसे देखो गाड़ी ब्लैक डेड है और हम लोग तो ऐसे ना कि भाई इनका फर्क ही ना पड़े, मतलब ऐसे ही थोड़ा जब बैक करा तो गाड़ी थोड़ा बहुत यूज करा ना, थोड़ी देख ही ले फिर पीछे मुड़ के ना। देखो गाड़ी ब्लैक डेड है फिर रात में कैसे चलाते हो इसे भाई? शीशे खोल ले ना तो फिर चलती रहे, कोई दिक्कत ना। क्योंकि भाई आगे चलेगी तो देखो कोई दिक्कत ना, जब बैक लेनी पड़ेगी फिर बैक हल्के फुल्के कोई बता दे, शीशे उतार ले थोड़े बहुत पर गाड़ी ब्लैक जड़ रहेगी, पर गाड़ी ब्लैक जड़ रहेगी ना पूरी गाड़ी नॉट। अबे भाई ये बताओ जैसे अपने पीछे तो स्पीकर हो गए, आगे भी स्पीकर देखने को नहीं मिल रहे भाई? आगे भाई पीछे लगा रखे अपने पीछे, मतलब भाई अगर अपने डोर की बात करें तो डोर में भाई लग रहे हैं अपने ट्विटर डोर में भी भाई, देखो यहाँ पे अपने स्पीकर लगे हुए हैं जैसा कि देख सकते हैं। और भाई इस स्क्रीन के बारे में बताओ, जैसे कि भाई ये स्क्रीन है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले अपनी गाड़ी रिवर्स में से निकालते हैं। तो भाई ये स्क्रीन कौन सी कंपनी की है भाई? ये हैंड वही है,
ये वही मतलब वही अपनी जो चाइनीज आती है ना, बिल्कुल जैसे कि भाई अपनी बलेनो में लगी वही सेम वही है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन। अच्छा वही सेम है भाई, बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें सारे आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, अपने कंट्रोल भी कर सकते हैं भाई यहीं पे, यूट्यूब वगैरह सब कुछ आपको देखने को इसमें मिल जाता है। तो भाई इसकी क्या प्राइसिंग पड़ेगी? इसकी पड़ी थी भाई 9000 रुपए के आसपास, 9000 के आसपास। देखो भाई, जो भाई की गाड़ी मेन था वो सिर्फ दो ही चीजें थी, या तो भाई अपने अलॉय हो गए और अंदर से भाई हो गई ब्लैक जेड, और अपना सिस्टम है ना। तो भाई देखो भाई, सिस्टम में जो बातचीत है ना वो तो आपको आउटपुट सुनने के बाद ही पता चलेगा भाई। हेडफोन जरूर लगाना, ईयरफोन कुछ भी जरूर लगाना भाई, तब सुनना आपको असली मजा, तो भाई तभी आएगा। क्योंकि भाई की गाड़ी की छत वगैरह भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी की मतलब भाई एक एक चीज़ हिलती है, जो इतनी मजबूताई होती है तब भी भाई इस गाड़ी की एक चीज़ हिलती है, क्योंकि भाई ने इतना भारी सिस्टम लगा रखा है। भाई अगर मैं पूछूं अपने जितना भी ये पूरा सिस्टम लगा पड़ा है कितने खर्च कर दिए इसमें? सर भाई मैं ऑडियो की पूछूं सिर्फ, जैसे मतलब अपने वूफर वगैरह में लग गए ना, इनमें कितने लग गए? इसमें लग गया था भाई 90,000 के आसपास। इसमें अपने टोटल 90,000 के आसपास ये पूरा लग चुका है। और भाई फुल खुश हो मतलब इससे? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया खुश है। सोचा इस सब पर कुछ लगवाने के लिए? हाँ, अभी थोड़ी बात से चल रही है। जैसे मतलब अभी दो वूफर, अब कितने लगवाने की सोची है? अभी इसमें एक वूफर लगवाने की और सलाह है, एक वूफर लगवाने की और सलाह है। चलो भाई, जब भाई करवाएंगे तो उसे भी कवर करेंगे। बाकी आप आउटपुट सुनो। आउटपुट सुन लिया भाई, कसम से इतना तगड़ा आउटपुट अभी तक मैंने किसी स्कॉर्पियो में नहीं सुना। मतलब भाई डिग्गी तो गाड़ी के ऐसे लिए भाई जैसे अभी निकल के भाग जाएगी पीछे। तो भाई इनका कुछ करो, मतलब डैम्पिंग नहीं करा रखी आपने? डैम्पिंग ना करा रखी भाई, अभी करवाएंगे करवाएंगे। मतलब भाई गाड़ी बहुत ज्यादा ही बुरी तरह हिल रही है भाई, वो बेस जो है वो भाई कान में एक एक बाल में भी महसूस हो रही है कि हाँ भाई कुछ है गाड़ी में, तगड़ा सिस्टम है ना। कौन भाई ज्यादा धड़कन हिल जा भाई दुनिया भर सब कुछ, मतलब एक चीज भाई ये बताओ गाड़ी में टोटल कितने खर्च कर रखे हैं? पूरी गाड़ी में टोटल कितने लग गए भाई? पूरी गाड़ी में लगा दी टोटल एलईडी पे अलॉय होता है सिस्टम पे 2.5 लाख रुपए खर्चा आ गया था इसमें टोटल। कम से कम मतलब 2.5 लाख रुपए भाई आपने लगा रखे हैं इसमें भाई। इससे ऊपर और कुछ लगाने की सोची है? हां यहां के ऊपर भाई अब देखो धीरे धीरे लगा ही रहे हैं और लगते रहेंगे, अब आगे लगते भी रहेंगे। अच्छा भाई, तो चलो भाई जैसे कि आपने देख लिया भाई की इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है भाई गाड़ी में सिस्टम अच्छा लगा, अलॉय व्हील अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। बहुत ही तगड़ा सिस्टम, मतलब यार कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हो पाता, बाकी तो बहुत ही तगड़ा सिस्टम है। तो भाई सब कुछ आपको दिखा दिया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत जल्द।